न्यू ईयर विश करने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट जो हम जिस तरीके से किसी को न्यू ईयर विश कर सकते हैं वो है नया साल धमाकेदार हो। और हम किसी को टेक्स्ट कर सकते हैं या विश कर सकते हैं नया साल धमाकेदार हो और बहुत सारी खुशियाँ दे, तो इसे हम बोलेंगे आई विश यू ए स्मैशिंग न्यू ईयर फिल्ड विद लाफ्टर। आई विश यू ए स्मैशिंग न्यू ईयर फिल्ड विद लाफ्टर। नेक्स्ट जो है हम दूसरे तरीके से जो किसी को न्यू ईयर विश कर सकते हैं वो है मैं आशा करती हूँ कि नया साल खुशियाँ भरा हो। मैं आशा करती हूँ कि नया साल जो है वो खुशियाँ भरा हो, तो हम इसे बोलेंगे आई विश यू हैप्पीनेस इन द ईयर टू कम। आई विश यू हैप्पीनेस इन द ईयर टू कम। नेक्स्ट जो है हम किसी को विश कर सकते हैं न्यू ईयर वो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम आने वाला साल बेहतरीन हो आपके लिए, यानी कि आने वाला जो साल है वो आपके लिए और भी अच्छा हो इस साल से, तो इसे हम विश करेंगे विशिंग यू एन अमेजिंग न्यू ईयर अहेड। विशिंग यू एन अमेजिंग न्यू ईयर अहेड। नेक्स्ट जो है आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो जो आपके सारे ख्वाब पूरे करे। आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो जो आपके सारे ख्वाब पूरे करे, तो इसे हम बोलेंगे इस तरीके से हम इसे विश करेंगे लेट द ईयर अहीड बी वन वेयर योर ड्रीम कम ट्रू। लेट द ईयर अहीड बी वन वेयर योर ड्रीम कम ट्रू। नेक्स्ट जो है वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं मैं आशा करती हूँ कि जैसा आप करते आए हैं आप 2021 में भी कुछ इतिहास ज़रूर रचोगे। मैं आशा करती हूँ कि जैसा आप करते आए हैं आप 2021 में भी कुछ इतिहास ज़रूर रचेंगे, तो हम इसे इंग्लिश में इस तरीके से विश कर सकते हैं मे स्क्रिप्ट हिस्ट्री इन 2021 जस्ट लाइक द ईयर बिफोर। मे स्क्रिप्ट हिस्ट्री इन 2021 जस्ट लाइक द ईयर्स बिफोर। और जो नेक्स्ट वन है लास्ट एंड नेक्स्ट वन जो है वो हम यहाँ पे इस तरीके से भी विश कर सकते हैं मैं आशा करती हूँ कि आने वाले साल में हंसी और ताजगी और चमके। मैं आशा करती हूँ या फिर करता हूँ कि आने वाले साल में हंसी और ताजगी और चमके, तो हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं इंग्लिश में आई विश दिस फ्रेशनेस एंड स्माइल बिकम्स ब्राइटर दिस ईयर। आई विश दिस फ्रेशनेस एंड स्माइल बिकम्स ब्राइटर दिस ईयर। और जो लास्ट है उसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, किसी को विश करना है आपको न्यू ईयर तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही खुश नज़र आएं और आपका स्वास्थ्य ऐसे ही बेहतरीन रहे। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही खुश नज़र आएं और आपका स्वास्थ्य ऐसा ही बेहतरीन रहे, तो हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं वी विश दैट योर स्टे जस्ट एंड हैप्पी एंड द पिंक ऑफ हेल्थ थ्रू आउट। वी विश दैट योर स्टे जस्ट एज हैप्पी एंड द पिंक ऑफ हेल्थ थ्रू आउट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।